मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू क्लास फिफ्थ। बच्चों, आज हम लेसन थ्री वेदर एंड क्लाइमेट पढ़ेंगे। वेदर, वेदर मीन्स मौसम और क्लाइमेट मीन्स जलवायु। यानी किसी भी एक निश्चित भौगोलिक स्थान पर किसी भी एक निश्चित समय पर पाए जाने वाले वातावरण की परिस्थिति को मौसम कहते हैं। वेदर, द कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर prevailing at a particular place over a short period of time is called weather. Its short period varies from minute to weeks. It can change from day to day or even from time to time during a day. The weather of a place can be hot or cold, dry or moist, cloudy or sunny, windy or calm. It affects our food, clothes, houses as well as our daily routine. मौसम एक विशेष स्थान पर वातावरण की अल्पकालिक स्थिति है। मौसम मूल रूप से जो आप किसी विशेष दिन बाहर देखते हैं, मौसम मिनट से मिनट, घंटे से घंटे या दैनिक में बदल सकता है। बारिश, धूप, बादल, हवाएं, बर्फ, कोहरा आदि मौसम के क्या सामान्य पैटर्न हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे तूफान आदि भी मौसम के प्रभाव हैं। मौसम ज्यादातर तापमान, हवा के दबाव और स्थान के बीच नमी के अंतर से प्रभावित होता है। मौसम कभी गर्म और कभी ठंडा होता है। ये हमारे फूड, भोजन, कपड़ों, हाउस आदि पर और डेली रूटीन पर काफी प्रभावित करता है। क्लाइमेट, क्लाइमेट इज द रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ ए पार्टिकुलर प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड। Long enough to yield meaningful averages. For example, the climate of the northern plains of India is of extreme type and very hot in summer and very cold in winter, while the climate of the coastal plain is moderate, neither very hot in summer and nor very cold in winter. Climate affect our lifestyle, clothing, housing, transportation. Climate means hota hai jalvayu. Jalvayu shabd दो शब्दों से मिलकर बना है, जल वायु। जल का अर्थ वर्षण से है और वायु का अर्थ पवन से। अर्थात वर्षण व पवन से ही किसी स्थान की जलवायु प्रभावित होती है। जलवायु किसी भी विस्तृत भौगोलिक परिवेश के मौसम तथा उनमें आए बदलाव का निष्कर्ष है। जलवायु कम से कम 35 वर्ष की अवधि के लिए एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र की दैनिक वायुमंडलीय स्थिति के सामान्यकरण ही जलवायु है। जैसे एग्जांपल, नॉर्थन प्लेन्स में जो वहाँ की जलवायु है, गर्मियों में हॉट इन समर, जो गर्मियों में बहुत गर्मी है और विंटर में बहुत सर्दी है। उसी प्रकार प्लेन्स में नमी वाला है ना, वहाँ पे गर्मियों में इतनी गर्मी है और सर्दी में ना ही इतनी ठंड है। जलवायु जो है अफेक्ट आवर लाइफस्टाइल, हमारे लाइफस्टाइल, क्लॉथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट पर आदि प्रभावित करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, फैक्टर मीन्स कारक। द फ्लोइंग आर द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ रीजन। नंबर वन, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। नंबर टू, हाइट अबव द सी लेवल। नंबर थ्री, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। नंबर फोर, डायरेक्शन ऑफ विंड्स। विश्व की जलवायु कई कारकों द्वारा प्रभावित होती है, जिसकी वजह से पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों का अलग अलग जलवायु का जन्म होता है। इस तरह भारत की जलवायु अक्षांश, ऊंचाई, दाब पवन आदि अनेक कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर यानी अक्षांश, हाइट अबव द सी लेवल समुद्र तल से ऊंचाई, डिस्टेंस फ्रॉम द सी समुद्र तट से दूरी, डायरेक्शन ऑफ विंड्स जो है विंड्स की डायरेक्शन, अक्षांश। भारत का दक्षिणीय आधा भाग कर्क रेखा के दक्षिणी पड़ने के कारण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि उत्तरी आधा भाग कर्क रेखा के उत्तर में पड़ने के कारण जो है कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इसलिए भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय दोनों जलवायु विशेषताओं के कारण है। क्या है, हाइट अबव द सी लेवल ऊंचाई। भारत की तटीय क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई करीब 30 मीटर रही है,
मध्य एशिया से आने वाली ठंडी शीतलहरों का हिमालय की ऊंचाई भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने के कारण रोकती है। इन पहाड़ियों की वजह से ही इस उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में सर्दी क्या होती है, कम पड़ती है। क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डायरेक्शन ऑफ विंड्स यानी कि वायु दाब। पवने दक्षिणी हिंदी महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्रों में दक्षिण पूर्व दिशा में चलती हैं और भूमध्य रेखा को पार करती हुई भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर करती हुई भारतीय उपमहाद्वीप के स्थित निम्न दाब वाले क्षेत्रों की तरफ से मुड़ जाती हैं। ये हवाएं जो हैं गर्म महासागर वो ऊपर से बहने के कारण नमी युक्त होती हैं और भारत की मुख्य भूमि पर मानसूनी बारिश करती हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रिकॉर्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, रेनफॉल, एयर प्रेशर, डायरेक्शन एंड स्पीड और वेलोसिटी विंड्स आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। ये सारे कंपोनेंट मेन घटक हैं। मौसम तथा उससे निर्धारित होने वाली जलवायु के लिए कुछ मूल तत्व हैं जिन्हें तापमान, आर्द्रता, वायु का दबाव या वायु भार, पवन तथा उसके बहाव की दिशा, बादल, वर्षा आदि प्रमुख हैं। किसी क्षेत्र के लिए मौसम की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से वैज्ञानिकों ने कई यंत्र बनाए हैं, जैसे टेम्परेचर इज मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द थर्मामीटर। किसी भी मौसम के लिए तापमान वो सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। वातावरण में ताप की स्थिति को मापने वाले यंत्र को तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। मुख्यतः तापमान को सेल्सियस या फॉरनाइट की डिग्री से अभिव्यक्त किया जाता है। द रेन गेज इंस्ट्रूमेंट टू मेजर रेनफॉल, रेनफॉल को मापने के लिए रेन गेज का प्रयोग होता है। द बैरोमीटर इज यूज टू मेजर द एयर प्रेशर ऑफ एन एरिया, एयर प्रेशर इज मेजर्ड बाय मिल्स बार। धरती पर वातावरण के भार को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे वायुदाब मापी या क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं। साधारणतः वायुदाब मापी यंत्र के पारे का उपयोग होता है। डायरेक्शन ऑफ विंड इज डिटरमाइंड बाय विंड वेन। मौसम की जानकारी के लिए वायु भार के साथ ही हवा के बहाव की स्थिति का ज्ञान भी आवश्यक है। वायु जैसे ही गतिमान होती है तो उसे हवा पवन कहते हैं। वातावरण में पवन तथा उसके प्रवाह की दिशा की जानकारी प्राप्त करने के लिए पवन सूचक या पवन दिशा दर्शक यंत्र विंड वेन का उपयोग किया जाता है। बच्चों आज आपने लेसन पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर वो एक्सरसाइज की जाएगी। थैंक यू।